रखा है लैग कर रहा है कार्तिक में, मेरा लैग कर रहा है यार। 11 एक्सरसाइज करनी है हमें। लैग कर रहा है भाई। बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 2x² + ex। सो 2x³ टू एक्स क्यूब बाई थ्री। तू बोल दे ex का क्या होगा, ex ही रहेगा प्लस। अर्जुन देवेश को नाराज मत कर भाई, तो बार बार ये करता है, पिछले साल से आदत है सर इसकी। अर्जुन देवेश को नाराज मत कर। इलेवेंथ बच्चों, टेंथ हमने कर लिया है, आ गए इलेवेंथ पे आप। सेपरेटली डिवाइड कर दो, सेपरेटली डिवाइड कर दो। फिर इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, एक्स का हो जाएगा x² / 2, फाइव का होगा 5x, x⁻³ -1 डिवाइडेड बाय -1 + c। ठीक है, कुछ समझ नहीं आए तो बता देना बच्चों। क्या बन गया बच्चों, आ गए 12th सम पे आ गए। समझ आ रहे हैं सर? हाँ सर। अलग अलग डिवाइड कर दो, x³ / x½, रूट एक्स को x½ लिख लेंगे, 3x / x½, 4x² dx। तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, x³ में से हाफ माइनस होगी 5/2, 2½ बचेगी, दैट इज 5/2, 2½ क्या होता है 5/2, 3 × ये एक्स है, ये एक्स हाफ है, क्या होगा 3x⁻ हाफ ही बचेगी, ऊपर 1 पावर है, नीचे हाफ है, माइनस हो जाएगी, प्लस 4 × x⁻¹। ठीक है, चलो आगे। कार्तिकी, कार्तिकी की आवाज लैग कर रही है आप, इसका नेटवर्क भी ऐसा कर रही है उसकी, इसने लैग कर रहा है। हाँ कार्तिकी बोलो, ज्वाइन कर दो, आवाज सुनाई दे रही है सर? वापिस ज्वाइन से कुछ नहीं होता बेटे, वो तो जब इंटरनेट वीक होगा तो वापिस ज्वाइन पे भी लैग तो करेगी। हाँ सुनाई दे रही है, अब सुनाई दे रहा है। हाँ तो मैं डायरेक्टली निवेश, कार्तिक ने क्या बोला सर, अगर मेरे को समझ में आता तो मैं बता देता आपको।
भाई तो चार्ट पे लिख दे तेरे को क्या करना है। कार्तिक फिर से बोलो। तो मैं वापस जाएंगे। हाँ बताओ कार्तिक हाँ बाबा। थर्टींथ क्वेश्चन में रिमाइंडर नहीं बच रहा तो मैं डायरेक्ट लिख दूं जो क्वेश्चन है। हाँ डायरेक्टली लिखेंगे जब रिमाइंडर नहीं बचेगा तो। जो क्वेश्चन अभी आपने 8-4 से परफॉर्म रिमाइंड किया, 4 आया तो 4 ही लिखोगे। वो इसका कर लिया बच्चों सभी ने। एक्स टू द पावर 7/2 इंटू 2/7 हो जाएगा। एक्स टू द पावर 3/2 इंटू 2/3 हो जाएगा। एक्स टू द पावर हाफ 4 इंटू 2 हो जाएगा प्लस में सी, तो ये आएगा 2/7 एक्स टू द पावर 7/2। ये कट हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2, ये हो जाएगा 8 एक्स हाफ प्लस में सी। थर्टींथ क्वेश्चन, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। फैक्टर बना सकते हो तो फैक्टर बना लो, इसके फैक्टर भी बन सकते हैं। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में फैक्टर नहीं बने तो लॉन्ग डिवीजन करना बच्चों। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, लॉन्ग डिवाइड करोगे, फैक्टर तो बना ही लोगे। लॉन्ग डिवीजन में सिखा देता हूँ क्या आ जाएगा। ये एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बचा हमारे पास एक्स माइनस वन, तो वन पे डिवाइड हो गया एक्स माइनस वन, रिमाइंडर आया 0। तो डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स। तो ये हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है चलें आगे। फोर्टीन क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, वन माइनस एक्स इंटू रूट एक्स डी एक्स। वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर लो। अर्जुन कौन से क्वेश्चन पे हो? सो सेम सर 14। देवेश? हाँ जी सर 14। तो ये हो गया बच्चों रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा। इनकी पावर सिंप्लीफाई करके लिख लो, ये एक्स टू द पावर हाफ है, ये एक्स टू द पावर 3/2 है इंटू में डी एक्स। आप इंटीग्रेट कर दो, एक्स टू द पावर हाफ क्या होता है, एक्स टू द पावर 3/2 इंटू 2/3 माइनस एक्स टू द पावर 3/2, तो ये बन जाएगा 5/2 इंटू 2/5 प्लस सी। ठीक है फिफ्टींथ वाला क्वेश्चन सभी करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है बच्चों फिफ्टींथ क्वेश्चन सभी करके मुझे दिखाएंगे। सर 15th हो गया। हो गया दिखाओ। कार्तिक आंसर मैच कर लो, दिखाई दे नहीं रहा ठीक से। आंसर सही है सर, ठीक ही लग रहा है।
लिखा हुआ रिजेक्ट वैल्यूज कम समझ आ रही है, आंसर मैच कर लो। बाकी लोग दिखाओ सर, कौन सा दिखाने? 15 यस सर। रूट एक्स को अर्जुन ने अंदर मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 7/2, 6/7 अर्जुन, प्लस में सी लिखना है बेटे। सॉरी भूल गया, एक बार दोबारा दिखाओ सी लिख के। यस सर। हाँ इस लास्ट वाले 3 और 6 को कट करो, वहां पर 2 आएगा, 3 को 6 से कट करो। यस लोग भी दिखाओ, हो गया सर। एक मिनट दिखाओ सर, मेरा देख लो एक बार, दिखाओ सर। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस होते कि माइनस नहीं होता? माइनस तो देख लो एक बार, 16 फिर गलत आ रहा है। जान यस दोबारा बोलो, बीच में और जोर से बोल। तो यस ठीक है बेटे, सबने दिखा दिया। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करो जल्दी से, 16 करो। हो गया सर। हो गया, करो अपना नेक्स्ट करो। सर 16 में डाउट है। एक मिनट बेटे, 16 में डाउट है? हाँ सर, वो साइन एक्स जो प्रॉपर्टी डालो कॉस के डालोगे तब वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देखो बेटा 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x² / 2x² / 2 3 इनटू कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, और ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है प्लस में सी। कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, इसको लर्न करो ठीक है। हाँ बट सर आंसर माइनस लिखा है, तो माइनस तो पहले से ही है ना क्वेश्चन में, तो माइनस ही रहेगा सर। बट वो माइनस साइन एक्स होता है तो वो प्लस हो जाएगा। हाँ प्लस हो जाएगा। कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, ना कि माइनस साइन एक्स। सर आपने माइनस साइन, सर आपने माइनस साइन एक्स दिखाया हुआ है पीछे। पक्का देखो सर पीछे माइनस साइन एक्स है, मुझे तो ये नहीं पता लिखवाया कहाँ था। हाँ सर माइनस लिखा हुआ है, माइनस लिखा है। करो बच्चे कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स करो, कॉस का इंटीग्रेशन ठीक है। सर 18 में भी चेन रूल ऐसा करना है, 18th ब्रैकेट खोल लो बेटे, चेन रूल जैसा मल्टीप्लाई करना है। नहीं, क्या हो जाएगा 17 का 2x² / 2x³ /